पुलिस ने पंचायत चुनाव में बूथ कैप्चरिंग का रुख बे और दंगाइयों से कैसे निपटो जाए किला ने पुलिस लाइन में पुलिस ने मॉक ड्रिल करी है। एक और पुलिस के जवान दूसरे ओर दंगाई और नेताओं के समर्थक थे, जिन्हें घटना करवे के बाद कैसे उनसे निपटो जाए किला ने पुलिस ने मॉक ड्रिल करी है। मॉक ड्रिल में जिला के पुलिस बल का शामिल करूंगा और ये मॉक ड्रिल में वैसे ही मंजर तो जैसे दंगाई और बूथ कैप्चरिंग के दौरान होते हैं। पुलिस लाइन में आज राइट ड्रिल का रिहर्सल किया था और ये सामान्य जो राइट ड्रिल होता है उससे थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे तीन सिचुएशंस दी गई थी, जिसमें एक पंचायत चुनाव को लेकर थी, दूसरा सोशल मीडिया पे जो आपत्तिजनक पोस्ट डाली जाती है उसको लेकर थी, और तीसरा एक्सीडेंट को लेकर थी। और इन सभी में एक जैसे अनुभाग में जीओज रहते हैं, डीएसपी रैंक ऑफिसर रहते हैं, उनको उसका नेतृत्व दिया गया था और बड़ा सिस्टमैटिक वे में, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम लोग इसको रिहर्स कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एसओपी और प्रोटोकॉल्स के हिसाब से आज इसको और बेटर किया गया था। और हर बार हम और ज़्यादा बेटर या फिर और ज़्यादा सीखते हैं जो पिछली गलतियाँ रहती हैं, तो सभी जो गलतियाँ हैं उनसे सीख के सभी जो लास्ट की जो आपने ड्रिल देखी, खासकर जो पंचायत चुनाव संबंध में कोई भी यदि शिकायत आती है, बूथ कैप्चरिंग आती है, तो पुलिस का रिस्पांस कैसा रहेगा, कितने कम से कम समय में हमको करना है, वो यहाँ पर दिखाया गया। सर, सोशल मीडिया पर आती है किसी भी धार में ऐसी खबरें जानबे खिलाने बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पिशवांगी द्वार के साथ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल का लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय राम जी की। जय बुंदेलखंड।